और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज जो एक लेटेस्ट वैकेंसी आई है, ठीक है, डीआरडी की साइड से 3 सितंबर से स्टार्ट हो गई है, और उसके बारे में देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, ये सब चीज़ देखेंगे। और उससे पहले चलते हैं हम आपको लेकर के एडवर्टाइजमेंट। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आई है ये वैकेंसी। ये सेप्टम, ठीक है, ये सेप्टम 10 DRTC है, ठीक है। ये जो है इसका जो एलिजिबिलिटी, ठीक है, डेट है ये 23 सितंबर तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाकर के ये ऑनलाइन अप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है ये 3 सितंबर से स्टार्ट हुई है। और इसमें जब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ 3 सितंबर से स्टार्ट हुई है, उसमें उसके बाद जब क्लोजिंग का डेट है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है, ठीक है, 23 सितंबर शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं उसके बाद, जब एग्ज़ाम डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है टीयर 1 का, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है उसके बारे में। जैसे कि आप देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या एज लिमिटेशंस है उसके बारे में बताया गया है कि देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पहला है, ठीक है, क्या क्या पहला है यहाँ पे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी कि ST B ग्रुप बी यानी कि नॉन गेजेटेड पोस्ट और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए है। इसमें जो देखिए पे स्केल्स की जब बात करते हैं इसमें 7th पे लागू होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे जो जो फैसिलिटीज होंगे। उसके बाद जब एज लिमिट की बात करते हैं तो न्यूनतम जो एज होना चाहिए 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 28 ईयर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 28 ईयर्स होना चाहिए। और जो भी है रिलैक्सेशन अगर कैटेगरी के अनुसार जब हम बात करते हैं उसमें SC ST का जो होता है उसमें 5 ईयर्स का छूट मिलता है, उसके बाद OBC का 3 ईयर्स का छूट मिलता है, उसके बाद जाकर के जो भी है PWD है उसके बाद एक्सेसिव सर्विस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स जो भी है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की जी बात करते हैं तो इसमें कहा रहा है यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए EQR, ठीक है, ये बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, या तो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या उससे संबंधित जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो किससे अप्रूव होना चाहिए? AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन उससे अप्रूव्ड होना चाहिए तो ही वो वैलिड होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो उचित क्वालिफिकेशंस है वही होना उसका होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि मान लिया जाए कि कहीं पे BTEC मांग रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम MSc यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर डिप्लोमा मांग रहा है तो वहाँ पे आप डिप्लोमा ही यूज कर सकते हैं, और यदि BTEC मांग रहे हैं तो वहाँ पे BTEC ही यूज कर सकते हैं, ना कि डिप्लोमा के जगह पे हम BTEC यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है यहाँ पे, वही कह रहा है कि देखिए जो उसके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, एलिजिबिलिटी है जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है वही एलिजिबल हो गए, और ना ही मान लीजिए कि यहाँ पे BSc कैंडिडेट हो गया, ठीक है, उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसके लिए अलग है। उसके बाद देखिए एटलीस्ट 2 ईयर्स कोर्स होना चाहिए प्रोग्राम, सारी चीज़ यहाँ पे जैसे कि MSc हो गया, BE BTEC हो गया, ये सब एलिजिबिलिटी शैल नोट बी कंसिडर फॉर द रिक्रूटमेंट, यानी कि डिप्लोमा के जगह पे हम BE BTEC या MSc कंसिडर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, देखिए क्या क्या पोस्ट आया है इसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए? BSc डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर साइंस में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद अगर कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं बॉटनी के लिए, यहाँ पे भी क्या कह रहा है BSc डिग्री होना चाहिए बॉटनी में। उसके बाद जब हम बात करते हैं
फिर देखिए केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे है डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए है बीएससी डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री से। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, देखिए डिप्लोमा यहाँ पे कह रहा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या बीएससी डिग्री इन ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए जब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं यानी वो 017 की बात करते हैं तो बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या उससे संबंधित रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इंजीनियरिंग होना चाहिए, टेक्निकल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कोर्स बाय डोएक या बीसीए या एमसीए ये सब एलिजिबल नहीं है। कौन कौन एलिजिबल नहीं है? बीसीए वाले एलिजिबल नहीं है, एमसीए वाले एलिजिबल नहीं है, यानी कि डिप्लोमा वाले ही सिर्फ एलिजिबल हैं। इसमें स्पष्ट रूप से ये चीज मेंशन किया गया है। अब चलिए देखते हैं आगे, देखिए जब बात करते हैं हम क्या है, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे भी डिप्लोमा डिमांडिंग है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे भी यहाँ पे क्या कहें इंस्ट्रूमेंट से डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि ऑल इन ऑल यानी कि यहाँ पे पूर्णतः डिप्लोमा वाले के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या है, देखिए यहाँ पे और भी देखिए यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से क्या है मेटलर्जी, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें देखिए डिप्लोमा का रहा है यहाँ पे है ना, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद देखें कि मेटलर्जी होना चाहिए, मेटलर्जी के लिए यहाँ पे मेटलर्जी से डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह से एक देखिए मेडिकल के लिए यहाँ पे है बीएससी एमएलटी, यदि कोई बीएससी एमएलटी किए हैं तो उसके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसी तरह से देखिए यहाँ फिजिक्स वाले के लिए प्रिंटिंग प्रेस, साइकोलॉजिस्ट, टेक्सटाइल, जूलॉजी, ये सारी के सारी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए जब हम बात कर लेते हैं सीट की, ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा सीट कहाँ कहाँ पे है, यदि हम देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है किस तरह से सीट है, हम मुख्य मुख्य को देखते हैं यहाँ पे। जैसे एग्रीकल्चर में देखिए यहाँ पे टोटल मिला के 10 सीट है, उसके बाद अगर के बॉटनी में देखिए 3, ऑटोमोबाइल में 15, 3, उसके बाद देखिए सिविल इंजीनियरिंग में 25। देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करते हैं ये कंप्यूटर साइंस वाले के लिए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए 17 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 68 सीट्स हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्या क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पे सेंटर भी अब देखिए कुछ आईटीआई वाले के लिए दिया है यहाँ पे किस तरह से हैं आईटीआई वाले के लिए जो वैकेंसीज हैं, जो कि यहाँ पे ये टेक्निकल ए में आते हैं, ठीक है। ग्रुप सी की जॉब के बारे में बताया गया, ये भी नेगेटेड पोस्ट है। इसमें देखिए सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन है, सारे ब्रांच के वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बताया गया, एज लिमिट की जो एज लिमिट उसमें था वही है यहाँ पे भी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, ब्लॉक बाइंडर है, कारपेंटर है, कोपा, डीटीपी, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर, ग्रिंडर, ये सारे के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, ठीक है। तो ये था डिप्लोमा और आईटीआई वाले के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आप यदि भरना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर यहाँ पे दिया है कि आप कहाँ कहाँ सेंटर डाल सकते हैं, आगरा, अहमदाबाद, बंगलुरु, सारे यहाँ पे ये जगह पे आप सेंटर दे सकते हैं। और उसके बाद जब हम बात करते हैं देखिए सिलेबस के बारे में, जब बात करते हैं देखिए यहाँ पे सिलेबस, ठीक है, जब सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो एग्जाम होगा, ठीक है। पहला होगा CBT 1, इसमें देखिए आपका जो होगा 120 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 120 होगा और टोटल 90 मिनट का क्वेश्चंस होगा। उसके बाद CBT 2 जो कि फाइनल प्रोविजनल होगा ये 100 मार्क्स का होगा, फिर जाकर के 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 90 मिनट मिलेगा। उसके बाद जाकर के उसी तरह से आईटीआई वाले के लिए है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको, ठीक है, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फी है मात्र 100 रुपीज है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग
इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू।